को विधानसभा से कांग्रेस एवं मित्र पक्ष के उम्मीदवार कालू बुदेलिया का चुनाव कार्यालय उद्घाटन समारोह के दौरान मीडिया से मुलाकात कर स्थानीय समस्याओं पर जानकारी देते हुए बताया कि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार योगेश सागर चारकोप विधानसभा की स्थानीय जनता ने दो बार विधायकी का ताज पहनाया, लेकिन दो बार विधायक रह चुके योगेश सागर ने स्थानीय जनता की विकास की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं। चारकोप विधानसभा की जनता का कहना है कि इस बार चुनाव में विकास का मादा रखने वाले कांग्रेस युति के उम्मीदवार कालू बुदेलिया को ही क्षेत्र से जीतने की बात कही गई है। पेज में वो है, लेकिन वो यानी पूरे रोड में खड्डे ही खड्डे हैं। दूसरा बेरोजगार, उद्योग धंधा व्यापार कुछ है नहीं, सबसे बड़ी समस्या तो वही है महंगाई। आप विकास के लिए क्या मैं यहाँ पे कांगदीवली तालुका पहले मलाड़ वेस्ट और चारकोप पूरा विधानसभा एक था। 1985 में चंद्रकांत घोसालिया आमदार थे पहली बार। 1985 से हम लोग छोटे बच्चे थे, यूथ में काम करते, तब से कालू भाई भी हमारे साथ यूथ से काम कर रहे हैं, समझ गए, वो सब वैसे बता रहा हूँ। और उसके बाद फिर पी यू मेहता आए 10 साल के बाद, कोई मिले रहे, उनके साथ काम किया हम लोगों ने। आज ये हाल है 2014 के बाद में, देख लो कि जो पे प्रधानमंत्री जी बोल के आए थे कि देश में अच्छे समय आएंगे, क्या आएंगे अच्छे समय, हाँ जो महंगाई है वो दूर भगेंगे, कोई भी जनता ये बोलते हो कि अच्छा समय आया, क्या महंगाई दूर हुआ, क्या रोजगार मिला, क्या ये सब मुद्दे पे कोई चुनाव लड़ ही नहीं रहे, खाली देश के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाता है। जब चुनाव आता है तब बीजेपी वाले सिर्फ पाकिस्तान का नाम लेते हैं, पाकिस्तान के नाम पे चुनाव लड़ते हैं और खाली हिंदुओं को गुमराह करते हैं। हिंदू भूखे मर रहे हैं, उनका पेट पर राशन है, उनके रोजगार है, नौकरी है, कोई चर्चा नहीं करता है। मेरा कहना यह है कि आज चारकोप विधानसभा की जनता, कालू भाई हमारे स्थानिक है, यही पैदा हुए हैं चारकोप में और इनको घर घर सभी जानते हैं, गुजराती हो, मराठी हो, भैया हो, जो भी कौम के हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों का इनका समर्थन प्राप्त है और भारी मतों से विजयी होंगे और इनको सभी पूरे जनता का आशीर्वाद है। ये सेंटर कार्यालय है, आज इसका उद्घाटन हुआ है अभी आपके आने के 10 मिनट पहले और हम लोग उनको हार्दिक शुभेच्छा देते हैं आपके माध्यम से। और आप लोग भी जरा जनता को बताइए, कालू भाई एक अच्छे आदमी है, हमेशा सेवा भाई है, वो कुछ भी पार्टी में न रह के नगर सेवक MLA हमेशा रोज गरीबों का मदद करते हैं, दवा हो, कंप्यूटर हो, फीस भरना हो, जो भी उनके ऑफिस में जाता है कोई खाली आता नहीं है। ऐसे कालू भाई को चारकोप की जनता की चाहत है, पुकार है कि कालू भाई MLA बन के आए और हमारे चारकोप विधानसभा में अच्छे दिन आए। देश का तो आएगा, पहले हमारा विधानसभा का अच्छा दिन आएगा तब देश का आएगा। इसी के साथ अब जय हिंद जय महाराष्ट्र। सरकार का नियम है और बीजेपी से लोग तंग आ चुके हैं, जैसे कालू भाई ने कहा भी, बेरोजगारी और महंगाई तो इतनी बढ़ गई है कि वो बर्दाश्त के बाहर हो गई। आज ये परिस्थिति में आगे रोज पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, रोज गैस के दाम बढ़ रहे हैं और ये लोग भारत और पाक लड़ा रहे हैं, बस टीवी के ऊपर एक ही दिखा रहे हैं, पाक यहाँ बोल रहे हैं, भारत ये बोल रहा है, दूसरा कोई विकास की बात हो नहीं रही है। क्योंकि कालू भाई जैसे समाज सेवक जिन्होंने पिछले 30 साल से समाज सेवा का प्रण लिया है और एक अच्छे कांग्रेस के नेता है, वो आज उनको पार्टी ने संधि दी है और बीजेपी टिकट दी है, ये सोच समझ कर दी है कि योगेश सागर को अगर टिकट देना है तो उनके सामने एक अच्छा व्यक्ति की से तो
एक नारा चल रहा है इसके साथ, सबका विकास है, सिर्फ और सिर्फ देश को गुमराह करने की बात हो रही है, रोजगार के नाम पे बढ़ोतरी की बात हो रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, घटता चला जा रहा है, बड़े बड़े लोग और बड़े होते चले जा रहे हैं, छोटे लोग और गरीब होते चले जा रहे हैं। तो ये सारा मुद्दा होना चाहिए, चुनाव में विकास का मुद्दा होना चाहिए, जात पात का मुद्दा ना हो, क्योंकि आज जो बड़े बड़े चैनलें हैं जिनके माध्यम से आज टीवी पर दिखाया जा रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान की बात है, हमको पाकिस्तान से क्या करना, हमें तो हमें हिंदुस्तान से बात करनी है, हमें अपने हिंदुस्तान के विकास के बारे में बात करनी है, रोजगार के बारे में बात करनी है, किस तरह रोजगार पैदा हो उस बारे में चर्चा करनी है। तो यकीनन परिवर्तन पक्का है और इस बार कालू भुदलिया जी हमारे जो महाआघाड़ी के उम्मीदवार हैं कालू भुदलिया जीत कर आएंगे और चारकूट में इतिहास रचेंगे। बहुत साल के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक स्थानीय उम्मीदवार दिया है और वो आज 35-40 साल से कांग्रेस पार्टी में निष्क्रिय सेवा कर रहे हैं, राजकारण नहीं किया उन्होंने कभी, समाज सेवा ही ज़्यादा किया, फिर फ्री नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन राजीव गांधी का तरफ से, मतलब उनके नाम की तरफ से गरीब बच्चों को फ्री में मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग की, हर साल गंगारेश्वर महिलाओं को मतलब बुजुर्गों को यात्रा में लेके जाते हैं, हर श्राम सोमवार में रहता है मैंने उनके साथ दिन रात प्रचार में जुटी है और देखा जाए तो चारकोट में जो पूरी तरह आमदार थे उन्होंने कुछ विकास करना इसका ये विकास के मुद्दे विकास के मुद्दे कि आज चारकोट में देखिए मेट्रो नया प्रकल्प आ रहा है, ये मेट्रो किसकी देन है, कांग्रेस सरकार कहाँ बोली तो कहाँ है, मेट्रो की वजह से आज छोटे हो गए वाहतूक समस्या, चारकोट में बहुत बड़ा पॉल्यूशन नाला भी जाता है, उसकी कभी साफ सफाई नहीं होती, तो वहाँ ये रहने वाले रहवासियों का अभिराख नगर में देखिए उनके फंड से उधर एक अच्छा सा ब्रिज बनाया था, बाद में उन्होंने कुछ वहाँ पे डेवलप किया आने जाने के लिए अभिराख, तो छोटे छोटे मुद्दे उन्होंने जो अब कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी गैस के बढ़ते दाम, पेट्रोल के बढ़ते दाम और आरे में जो पेड़ काटे जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भले ही अभी रोक लगाई है लेकिन रातों रात वो लोग छुप छुपा कर वो कटिंग कर रहे हैं, ये मुद्दे लेकर हम सब महिलाएं जनता के बीच जाएगी और कालू भुदलिया जैसे कर्मठ और सक्षम लोकप्रिय उम्मीदवार के लिए हम लोग हाथ के पंजों को वोट दो लोग यही अपील करेंगे और मेरी सभी चारकों के भाई और बहनों मतदारों को ये विनती है कि आप कांग्रेस को इस बार भारी से भारी मतों से चुन कर दीजिए और कालू भाई जैसे सेवाभावी आदमी को अपना